हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम कवर करने जा रहे हैं कुछ जीके के पार्ट को। और जैसे हम लोग 150 क्वेश्चन को कवर कर रहे थे ना, तो काफ़ी डिटेल में सब लेके चल रहे थे। और आज फिर से मैं 150 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, तो बहुत डिटेल में मैं आपसे बात करूँगा इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में। आपको क्या करना है ना, देखिए जो लिखा है ना उसका उत्तर देख करके बोल देना, ये इसमें आप शेर नहीं बन जाओगे, ठीक है। जो मैं आपसे पूछता हूँ अगर आप उसका उत्तर दे लेते हो तब जानो कि आप वाकई में शेर हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट सीरीज को, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं इसलिए देखते हैं पहला। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, 478 क्वेश्चन तक हम लोग कवर कर चुके थे और आगे का 479वां क्वेश्चन हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो बोल रहा है कि प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था, आपको ये बताना है। पहला एशियाई खेल कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो याद रखिए मई 1951 में नई दिल्ली में खेला गया था सबसे पहला एशियाई खेल, ठीक है। पहला एशियाई खेल दिल्ली से ही शुरू हुआ था और तब से लेकर आज तक खेला जा रहा है। चलिए बताइए कि पहला ओलंपिक कहाँ खेला गया था, पहला ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया था, तो 1896 में कहाँ खेला गया था, एथेंस में खेला गया था, ठीक है। ये इससे जुड़ा एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला बोल रहा है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है, तो जानते होंगे आप सभी लोग बैरोमीटर होता है जिससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगर कभी बैरोमीटर में क्या करता है, तेज़ी से वो फ्लक्चुएट करता है, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ खतरा होने वाला है, तभी ये बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है ये ऊपर नीचे होता है, ओके। अच्छा, इसके बाद बताइए कि अगर आर्द्रता को मापना है तब आप क्या किसका इस्तेमाल करते हैं, किस यंत्र का, तो उसके लिए हाइग्रोमीटर। कौन सा है, हाइग्रोमीटर, आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा पूछ रहा है हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है। आजकल के जीके में यार हरियाणा से बड़ा प्रश्न पूछता है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहां पर है, ये बताना है आपको। तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये खानपुर कला में है, सोनीपत में है, ठीक है। पानीपत का नाम सुना था ना, पानीपत के बाजू में कहाँ पड़ता है, सोनीपत पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर पहला विश्वविद्यालय था। आगे देखिए, अगला दे रहा है टेस्ट मैच में, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए। गजब का मैच यार था, है ऐसा टेस्ट मैच जिसमें 10 के 10 विकेट किसी एक खिलाड़ी ने लिया, जी हाँ दोस्तों, उनका नाम था अनिल कुंबले, ठीक है, अनिल कुंबले। आगे देखिए, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ पे होगा, तो 2018 इसी वर्ष है और ये फुटबॉल विश्व कप भी रूस में होने वाला है, ठीक है, रूस। आगे देखिए, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, आपको बताना है। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो सबसे नंबर वन पे चाइना है, नंबर दो पे कौन सा है, भारत है, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, कहाँ पे, जल्दीबाजी मत करिए, लोकसभा पूछ रहा है, तो लोकसभा पे 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, वो कौन होना चाहिए, आंग्ल भारतीय होने चाहिए। अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है तब करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसके अलावा 12 लोगों को राज्यसभा में डाल सकता है, 2 लोगों को लोकसभा में डाल सकता है, कुल संसद में कितने लोगों को डालता है, 14। कभी कभी एग्जाम में संसद बोल देता है कि राष्ट्रपति संसद में कितने व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है, ऑप्शन में 12 दिया होता है, जल्दीबाजी में लोग 12 टिक करके निकल लेते, नहीं 12 नहीं, संसद में 14, क्योंकि संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाता है, ओके। आगे है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है जो सबसे ग्रहण कर लेता है, तो ए और बी क्या है, ए बी जो है ये सभी से गढ़ कर लेता है, तो ए और बी अलग अलग पार्टिकल्स में आते हैं और इन दोनों को मिला दोगे तो ए बी हो जाता है, ऐसा है नहीं, याद करने का तरीका है सर्वग्राही। अच्छा, सर्वदाता किसको बोलते हैं, तो ओ को बोलते हैं सर्वदाता। और ये रक्त समूहों का खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंड स्टीनन ने, किसने किया था, कार्ल लैंड स्टीनन ने, ओके। चलिए आगे देखिए, असहयोग आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ था, तो 1920 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग, जिस दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी, ये भी याद रखिएगा, 1 अगस्त साइड डेट है। आगे है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, तो ये है हॉकी से संबंधित, ठीक है। पेनाल्टी स्ट्रोक देखा होगा, अगर आपने इस बार का गोल्ड मूवी देखा होगा तो उसमें पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, आपको याद हो गया होगा। आगे है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा कहा जाता है, तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, या पहला सदन कहते हैं, या जनता का सदन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा को क्या बोलते हैं, उच्च सदन कहते हैं, द्वितीय सदन बोलते हैं, ठीक है, और ये बोली। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, गुरु नानक देव ने किया था सिख धर्म की स्थापना, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो 1469 में हुआ था तलवंडी में, कहाँ पर, तलवंडी, ननकाना साहब तलवंडी पूरा नाम है, ठीक है, पाकिस्तान में है, शुरुआत में लाहौर था, तो लाहौर उसमें भारत का हिस्सा था, लेकिन विभाजन होने के बाद लाहौर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो वहाँ पर है।
आगे है भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है, तो 10 वर्षों बाद होती है। जैसे अभी 2011 में हुआ था, तो अगली जनगणना होगी 2021 में। पहली जनगणना कब हुई थी? हुई थी 1782 में कि 1800 सॉरी पहली जनगणना स्टार्ट होती 1881 से, जो लगातार चल रही है। 1872 में हुआ था, लेकिन वो नियमित रूप से जब कब से चल रही, 81 से। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा मेघदूत किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है मेघदूत, प्रसिद्ध कृति है इनकी। आगे है कालिदास कौन थे, तो कालिदास जो है नवरत्नों में से एक भी थे। किसके बताइए? अकबर के ना। आगे देखिए, अकबर के ऐसी गलती मत करेगा। किसके यहाँ कालिदास रहा करते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ। ठीक है, आगे पढ़िए, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लीमेंट एटली थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिसमें भारत को स्वतंत्रता मिली, मतलब 1947 में। और हाल ही में इनका पार्टी चेंज हुआ था, इनका पार्टी जीता था। इनके पार्टी का नाम क्या था बताइए? लेबर पार्टी थी। इनके पार्टी का नाम क्या था? लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। क्लीमेंट एटली क्या थे? प्रधानमंत्री थे। आगे है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो एक्जिमा रोग दोस्तों त्वचा को प्रभावित करता है, एक्जिमा। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। अगला है, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने किया था, तो रॉबर्ट बॉर्डन पावेल ने किया था, स्काउट एंड गाइड्स। ठीक है, आजकल स्काउट एंड गाइड स्कूल के नाम आप लोग देखते हैं ना। ठीक है, आगे देखिए, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा होने के साथ साथ सबसे गहरा महासागर भी यही है, प्रशांत महासागर, ये भी याद रखिए। ठीक है, पहला नंबर का सबसे बड़ा और सबसे गहरा, इसी महासागर में सबसे गहरी गर्त भी है ना, मेरियाना गर्त। ओके, आगे देखिए, पेनाल्टी किक किससे संबंधित, तो पेनाल्टी स्ट्रोक जो था वो हॉकी से संबंधित था, लेकिन किक करना पड़ता पैर से, समझ रहे हैं, पैर से, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। स्ट्रोक करना पड़ता है हॉकी से, तो पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी में है, पेनाल्टी किक जो है फुटबॉल में है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट में होता है, रणजी ट्रॉफी सुना होगा आपने। ठीक, आगे है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है ना साहित्य का। आगे है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, खेल पुरस्कार माना जाता है। ओके, और आजकल अगर आप स्टडी एग्जाम ट्रेंड पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या है खेल रत्न अवार्ड, स्पेशली वहाँ पे वीडियो लॉन्च हो रहा है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। आगे देखिए, जनरल स्टडी, अच्छा ये नंबर दे रहा है, ठीक है, अभी तो ये नंबर बंद हो चुका है। आगे देखिए, कह रहा है कि 501वां क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष स्टार्ट हुआ था, तो 1961 में स्टार्ट हुआ था अर्जुन पुरस्कार, और किसको दिया जाता है, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे बढ़िया प्रदर्शन करता है उस खिलाड़ी को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, और जो कोच होता है उसको मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ओके, आगे देखिए, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद के पास से नैनी पड़ता है वहाँ से होकर गुजरती है, उसको भारत की समय मानक समय रेखा माना जाता है। अगला है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो विनोबा भावे जी थे। ठीक है, इन्होंने ही भारत में क्या चलाया था, भूदान आंदोलन चलाया था, याद है ना, भूदान आंदोलन क्या था, भूदान आंदोलन में विनोबा भावे जी बड़े बड़े जमींदारों के पास गए, उन्होंने उन जमींदारों को समझाया कि आपके पास अथाह संपत्ति है, उसमें से अगर आप थोड़ा बहुत किसानों को दान दे देंगे तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उनकी बातों को सुनकर के बहुत सारे जमींदारों ने क्या किया, प्रभावित होकर उनकी बातों से अपनी अपनी भूमि को दान दे दिया। बहुत सारे लोगों ने तो कई 500-500 एकड़ भूमि दान कर दिया किसानों को, तो इसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और पहला रायमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला था भारत में, विनोबा भावे जी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दे रहा है कि मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है, तो इस विख्यात पेंटिंग को बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल पेंटिंग है। ओके, लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। आगे है, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, अभी अभी एक मूवी आई थी सलमान खान की, उसमें बोला उन्होंने स्वागत करेंगे सबका स्वागत। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लो, हरियाणा का है। ठीक है, आगे है, वैसे वो स्वाग होता है लेकिन स्वांग है। आगे है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो हैं तो 24, बट आप समय समय पर बदलते रहेंगे, तो आप इनसे अलर्ट रहिएगा। आगे है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है, तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो फैसला लेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। और धन विधेयक के बारे में बताया कहाँ गया, तो 110 में। ठीक है, और देखिए आगे, अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर दूती, ये अंतिम मुगल सम्राट थे, और इन्हीं को अंग्रेजों ने कहाँ कर दिया था, रंगून निर्वासित कर दिया था ना, और बाद में इनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है, ये आखिरी थे सबसे। इसके बाद है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था, जिसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया, तो भूटान। ठीक है, भूटान।
भूटान को थंडर बर्ड की भी संज्ञा दिया जाता है ना, ये भी याद रखिए। भूटान की राजधानी कहाँ पे है? थिम्पू। कहाँ पे है? थिम्पू। आगे देखिए, गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान गबन, ठीक है, ये सब प्रेमचंद जी की रचना है। प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। आगे है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है? तो H1N1 से फैलता है। अभी ये स्वाइन फ्लू का बीमारी फिर से भारत में आ गया है और इससे जो वायरस है उसका नाम चेंज हो गया, शायद H5N1 है या फिर H1N5 है, ऐसे करके कुछ है, कहीं 5 वगैरह हो गया है, मुझे याद नहीं है, और अभी हाल ही में इस पर न्यूज आया था। आगे है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को है दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, एक दिन पीछे चले जाओगे 24 जनवरी को, तो 24 जनवरी को है बालिका दिवस, ठीक है, बालिका दिवस, और 23 जनवरी को चले जाओगे तो सुभाष चंद्र बोस के लिए जयंती है ना। आगे देखिए, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो संवैधानिक मुखिया जो है ये राष्ट्रपति है, ठीक है, संवैधानिक मुखिया कौन है? राष्ट्रपति, क्योंकि वो राष्ट्रपति ही है जो सारे संधियों पर हस्ताक्षर करता है, जितनी भी संधि भारत करता है अन्य देशों के साथ वो सब भी यही करता है, मुख्य मुख्य पदों पर, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, ये सब याद रखिए। और राष्ट्रपति को मिला करके ही संसद का निर्माण होता है, अदरवाइज संसद खाली लोकसभा राज्यसभा से नहीं बनता है, ओके। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था और उससे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो स्टार्टिंग में तो 10 थे, अभी 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, और इसको किसके व्याप किसने दिया था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने दिया था, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर ये जोड़ा गया है। और किस अनुच्छेद में? तो 4 का अलग से भाग बनाया गया और 51 का जो है अनुच्छेद लाया गया, ओके, ये सब याद रखिए। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए, ओके, और दांडी यात्रा इसी दौरान तो हुआ था। आगे है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो जो भी संसद के सदस्य होते हैं वही चुनाव करते हैं उपराष्ट्रपति का, और अगर राष्ट्रपति का पूछता तो क्या बोलते हैं? संसद वाले प्लस जो जिन राज्यों के पास विधानसभा है वो प्लस दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ, ओके। विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर का रेल मार्ग जिसको बोला जाता है ट्रांस साइबेरिया, ये किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये दो शहरों का नाम आपको बताना, तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के ब्लादिवोस्टी, ब्लादिवोस्तक बोलते हैं, ब्लाडी है, ब्लाडिवोस्तक को जोड़ता है, ओके। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ठीक है, रूस में है। आगे, अमरकंटक नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? उद्गम स्थल, सॉरी, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और आगे चल के नर्मदा नदी कौन सा प्रपात बनाती है? धुआंधार जलप्रपात, जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात, ये सब याद रखिए। और नर्मदा और ताप्ती दो ही ऐसी नदियाँ जो भारत में पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं, पूरब से पश्चिम, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, और ज्वार नद मुख बनाती हैं गिरते समय, आगे डेल्टा नहीं बनाती हैं। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जिप्सम के मामले में दोस्तों राजस्थान जो है पहले नंबर पे है, और बताया था मैंने आपको ना POP। आगे देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो 100 बार पढ़ चुके हैं, गुजरात के सूरत में खोला था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखा है? तो पुस्तक का नाम था अकबरनामा, अकबरनामा 3 पार्ट में लिखा हुआ था, उसका जो तीसरा भाग था उसको बोलते थे आईने अकबरी, ठीक है, और ये लिखा था अबुल फजल, अबुल फजल एक अच्छा दोस्त भी था अकबर का। बूली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता? तो हॉकी में इस्तेमाल किया था बूली शब्द का, ठीक है, बूली शब्द का इस्तेमाल कहाँ होता है? हॉकी में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो PT ऊषा को उड़न परी कहा जाता है, वैसे तो PT ऊषा जो है दौड़ने के मामले में नंबर 1 पे थी, ठीक है, और इनको जो है एक संज्ञा दिया जाता है, बड़ा अच्छा नाम है यार, उड़न परी का लामा भी, जैसे भाग मिल्खा बांग को बोलते हैं ना, उसी तरह से इनका भी एक अच्छा नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, दौड़ने को लेकर की है, ठीक है। आगे देखिए, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहा जाता है? तो झीलों की नगरी को उदयपुर को कहा जाता है, झीलों की नगरी, और अगर झीलों का देश यहाँ पे पूछ देता तो आपका उत्तर क्या होता? फिनलैंड, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, फिनय नहीं है, फिनलैंड है, और फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी, हेलसिंकी, ओके। ये आप देखोगे जब वर्ल्ड मैप उठा के देखोगे तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा क्या? नार्वे, नार्वे के आगे जाओगे तो स्वीडन, ठीक है, नार्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। और तीसरे नंबर पे आपको मिल जाएगा क्या? फिनलैंड, उसकी राजधानी क्या है? हेलसिंकी। आगे देखिए, एक मिनट, छोटा हो गया, बड़ा कर लेते हैं, छोटा हो गया तो।
आगे बोल रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो दयानंद सरस्वती जी ने किया था आर्य समाज की स्थापना, और कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद जो है दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। और सबसे नया में किसको मानते हैं, चौथे नंबर पर, तो अथर्ववेद को माना जाता है, अथर्ववेद, ठीक है। आगे है शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, देखो शिक्षक दिवस नहीं पूछ रहा, शिक्षा दिवस पूछ रहा है, 11 नवंबर को मनाया जाता है शिक्षा दिवस। आगे किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिवस को मनाते हैं शिक्षा दिवस के रूप में, ठीक है। चलिए अगला बताइए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है, तो ये ट्रांबे, ट्रांबे मुंबई में स्थित है, ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, इसी को बार्क बोलते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC बोलते हैं ना, BARC, बार्क, ठीक है। आगे देखिए, ट्रांबे याद रखिएगा। आगे है सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और वहीं बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि भी दिया था इनको। आगे है लौह पुरुष भी इनको कहा जाता है, ठीक है, इनके जन्मदिवस को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। आगे खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ये 10वें थे और इन्होंने बनाया था खालसा पंथ, ठीक है। आगे मुगल वंश की स्थापना किसने किया था, तो बाबर ने किया था, और कब माना जाता है, तो 1526 से माना जाता है, क्योंकि 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, और इस युद्ध में बाबर ने किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को, जो कि लोदी वंश का आखिरी शासक था। देखो दोस्तों, क्वेश्चन जितना बार आपके आँख के सामने आएगा, जितनी बार आप रिवाइज करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा, तो मैक्सिमम आप रिवीजन पे फोकस किया करो, ठीक है। क्या होता है ना, कई लोग नोट करने में, यार कापी कलम लेके मत नोट करो, ये दिमाग है और दिमाग में नोट करो, ठीक है, कलम चलाने से नहीं काम चलता है। मैं कभी जल्दी नोट्स नहीं बनाता हूँ, मेरे कुछ सिलेक्टेड नोट्स हैं, बाकी मैं क्या करता हूँ, इतने ज़्यादा रिवाइज हो जाता है चीज़ कि याद हो जाए। मैं आपको बार बार क्यों देता हूँ, क्या मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, कम से कम 50 बार आपको पढ़ा चुका हूँ, अब 50 बार पढ़ाया हूँ तो 50 बार 50 तरीके से बताया हूँ, ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। आगे भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी, किरण बेदी थी, अभी तो इनको राज्यपाल बना दिया गया ना, ठीक है, पुर्तगाल का, सॉरी पुर्तगाल कह रहे हैं, पांडिचेरी का, ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन शुरुआत में क्या थी, ये IPS अधिकारी थी, और इतनी ज़बरदस्त IPS अधिकारी थी कि इन्होंने अपने ज़माने में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय उनकी कार को ले जाके थाने में बंद कर दिया था, सोच लो आप कितना ज़बरदस्त क्रेज था इनका। आगे कथक, कथक नहीं होता, कथक होता है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश का, और कथक कली पूछ देता तो उत्तर क्या हो जाता, केरल हो जाता, कथक कली होता तो केरल, केरल में दो नृत्य फेमस है, कथक कली एक मोहिनी अट्टम, क्या मोहिनी अट्टम, ये दोनों याद रखिएगा। अब भरतनाट्यम तमिलनाडु है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, यक्षगान कर्नाटक है, ठीक है। आगे देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, तो श्रीरंगपट्टनम थी, ठीक है, और टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, बताइए, हैदर अली नाम था, दो युद्ध हुआ था ना मैसूर के युद्ध में, तो मैसूर के द्वितीय युद्ध में हैदर अली की मृत्यु होती, मैसूर के चतुर्थ युद्ध में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। टीपू सुल्तान ने ही रॉकेट बनाया था भारत में, क्या बनाया था, रॉकेट से लड़ाई किया था, जब अंग्रेज जो है तोपखाने चला रहे थे उस समय टीपू सुल्तान रॉकेट चलाया करते थे, ठीक है। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, क्रिकेट में प्रयुक्त होता है, अगर ये एग्जाम में आ जाए तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे ना, चाइना मैन याद रखिए, चाइना मैन शब्द का इस्तेमाल क्रिकेट में होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो हीरा को सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है, हीरा, ठीक है, सबसे कठोरतम। आगे डायनामाइट और कार्बन का शुद्ध रूप भी क्या माना जाता है, हीरा ही माना जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, और इसी वजह से 1896 में ब्लास्ट होने की वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई थी ना 1896 में, और 4-5 साल बाद जो है 1901 से फिर इन्हीं के नाम पर वो बांटा गया, क्योंकि इनके वसीयत में लिखा था कि हमारे द्वारा जो कुछ भी कमाया गया है इसको आप क्या करो, एक फंड बनाओ और उसको बांटना शुरू करो, ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार फिर बना, 1901 से बांटना शुरू हो गया। हर वर्ष जो है 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है, हालांकि अनाउंस कर दिया जाता है अक्टूबर में ही, बट बांटा जाता है 10 दिसंबर को। आगे बिस्मिल्ला खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो सहनाई बजाते थे बिस्मिल्ला खान, ठीक है। आगे है आस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र, आस्कर के बारे में कौन नहीं जानता, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, आस्कर पुरस्कार, ये सब जो है फिल्म फेयर पुरस्कार, ये सब फिल्म के लिए है। आगे एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये फुल फॉर्म होता है एड्स का। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, सोच के बताइए। आगे देखिए, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था, तो माइकल डायर ने दिया था, माइकल ओडायर पूरा नाम था, ठीक है, उसने दिया था। आगे है पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र, ठीक है, और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, बताइए, पाटलिपुत्र की स्थापना।
आगे देखिए, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने। कुछ चीज़ें आप भी बताया करो, ठीक है? उदाइन ने किया था, नहीं बताऊंगा तो कहोगे लगता सर जी को नहीं आ रहा है, ठीक है? चलिए देखिए, दिल्ली में लाल किला किसने बनाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। इसके अलावा ताजमहल भी बनवाया, ठीक है? ताजमहल भी बनवाया, ताजमहल के पास जो इसने मोती मस्जिद भी बनवाई, यही मोती मस्जिद एक जो है वहाँ पे भी बना हुआ है आपके लाल किला के अंदर, ये दिल्ली वाले लाल किला के अंदर भी मोती मस्जिद बना हुआ है, लेकिन वो वाली जो मोती मस्जिद है उसको औरंगजेब ने बनवाया है, ये भी याद रखेगा। आगे देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो पटियाला, पटियाला पंजाब में पड़ता है, वहाँ पर है, ओके। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप जो है हॉकी से संबंधित है। तो ऐसे याद रखिए, आगा खां क्या करते हैं? बुढ़े हो गए तो एक हॉकी लेके चलते हैं, डंडा लेके चलते हैं, हॉकी, तो याद रहेगा आपको। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, बांदीपुर अभयारण्य। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आप बचपन से पढ़ते आओ, जेम्स वाट, ठीक है? आगे देखिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इटली निवासी मार्कोनी। घर कहाँ था? इटली। नाम क्या था? मार्कोनी, ठीक है? इसी तरह टीवी का क्या था? जान लोगी बेयर्ड। आगे भारत किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड जो दोस्तों हमारे यहाँ है, ठीक है, इसकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। हाँ, आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो हिंदू में WC बनर्जी थे, व्योमेश्वर बनर्जी, और मुस्लिम में कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। अब पारसी में कौन थे? दादा भाई नरोजी। और अंग्रेज में कौन थे? चौथा अंग्रेज बताएं, जॉर्ज यूल। ये लाइन बाय लाइन है, 85, 86, 87, 88, ठीक है, ऐसे करके है। आगे देखिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। हालांकि इनको PM बनना चाहिए था, प्रधानमंत्री, बट चालबाजी हुई इनके साथ और इनको गृहमंत्री बनाया गया। आगे है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीमाओ भंडार नायके, श्रीलंका से हैं, ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। आगे है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग कहा जाता था उस सभ्यता को। आगे है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था, और इस धर्म को एकमात्र हिंदू व्यक्ति ने स्वीकार किया था, उनका नाम क्या था? बीरबल। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश, महेश दास ना, ये सब याद रखिए। चलिए आगे देखिए, कह रहा, उगते एवं डूबते समय सूर्य जो है लाल प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, इस वजह से, ठीक है? तो याद रखिए, सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? आर का, ठीक है? विब ग्योर मैंने बताया था ना, WIBGYOR, विब ग्योर, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? वायलेट रंग का, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा। सेकेंड पे आई फॉर इंडिगो, थर्ड पे बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येल्लो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड, ओके। डूबते और उगते दोनों समय सूर्य दिखाई देता लाल ना, वो प्रकीर्णन की वजह से। आगे देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? यही 7 रंग होते हैं। आगे है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये मैंने आपको बताया था, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजकर जो सेटेलाइट होते हैं उसको स्थापित किया जाता है। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था टीके की खोज। रेबीज का टीका, जो कुत्ता काटता है, पागल कुत्ता काटने से रेबीज हो जाता है ना, हाइड्रोफोबिया होता है, जल से आदमी को डर लगने लगता है, ठीक है, और आदमी कुछ समय बाद कुत्ते की आवाज़ में भौंकना शुरू कर देता है, सही बता रहा हूँ, ठीक है, पागल कुत्ता काट लिया तो रेबीज का टीका किसने खोजा था? लुई पाश्चर ने खोजा था, लुई पाश्चर। आगे देखिए, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस, यार फिर से कुत्ता आ गया। हाँ, आगे लैक्टोबैसिलस, कुत्ता का नाम सुनने से कुत्ता भौंकने लगा, लैक्टोबैसिलस, अच्छा हुआ मैंने लोमड़ी और शेर नहीं बोला, शेर आ जाता। आगे है, अच्छा लैक्टोबैसिलस याद रखिएगा। आगे है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, और मनुष्य क्या करता है, ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक केवल सुन सकता है, अगर इससे ऊपर रहेगा तो सुन ही नहीं सकता है, तो पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं वो इससे हाई होती हैं। आगे है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है परमाणु बम, ठीक है, और हाइड्रोजन बम जो किस पर कार्य करता है, वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है? तो धारा, ठीक है, धारा और क्या कर लीजिएगा, एम्पियर, ठीक है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। आगे देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? वैसे तो एक पेसमेकर भी लगाया जाता है ना कंट्रोल करने के लिए, बट यहाँ हमको पूछ रहा है कौन सा खनिज, तो पोटेशियम जो दोस्तों ये धड़कन को नियंत्रित करता है, पोटेशियम। आगे, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज। खोज वाला तो एकदम याद रखे, एडवर्ड जेनर ने, चेचक का, लुई पाश्चर ने, रेबीज का, पेनिसिलिन का, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये सब एकदम याद रखे, एकदम रट डालिए। आगे, मलेरिया की जो दवा है कुनैन, कुनीन नहीं होता, कुनैन होता है, कुनैन,
ठीक है। कुनैन ये किस वृक्ष से प्राप्त होता है, किसके छाल से, सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आगे संसार का सबसे बड़ा फूल का नाम बताइए, तो रेफ्लेसिया है, रेफ्लेसिया। आगे सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, ठीक है, तो ये शुतुरमुर्ग है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा अंडा भी एक कोश की, इसके अंडे को एक कोश की जीव के रूप में माना जाता है, ठीक है, और शुतुरमुर्ग का ही होता है। आगे संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो हमिंग बर्ड, ठीक है। हमिंग बर्ड के बारे में मैंने पढ़ा था कि ये उल्टा भी उड़ता है, ठीक है, और सबसे छोटा पक्षी है, ठीक है, पाँच से लेकर 7 सेंटीमीटर का होता है और खासकर उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, हमने तो कभी देखा नहीं। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था, तो कुत्ता, इसी को बना सकता है और किसको बना सकता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है, किस वजह से, डार्क मैटर की अधिकता की वजह से। एटीएम का पूरा विस्तार बताइए, पूरा नाम तो ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिक मत करिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। आगे संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो बुलाता राष्ट्रपति है, ठीक है, और अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, इसमें मत कन्फ्यूज होइएगा। आगे LBW बचपन से सुनते आए, क्रिकेट से संबंधित है LBW। आगे वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज से बताती हैं, तो ओजोन परत है। ओजोन परत को कैसे मापते हैं, डॉप्सन, ओजोन परत के मापने की इकाई क्या है, डॉप्सन, ठीक है ना। आगे देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में है दोस्तों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे, तो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, ठीक है, और चिश्ती संप्रदाय की इन्होंने स्थापना किया था। आगे है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तो कलिंग का युद्ध जो हुआ था 261 BC में, उस युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया उपगुप्त के कहने पर ना, उपगुप्त। आगे है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, सेंट्रल बैंक, तो RBI को माना जाता है, रिजर्व बैंक को, ठीक है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है। सालार जंग वहाँ के एक शासक का नाम था, नवाब का नाम था, उन्हीं के नाम पर पड़ा है, ठीक है, हैदराबाद में है। आगे भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा, तो जेतुई बसु, हालांकि अभी इनका रिकॉर्ड टूट गया है, पवन चामलिंग आगे आ गए हैं शायद ना, तो उसको याद कर लीजिएगा। आगे है संसार की सबसे लंबी नदी कौन है, तो लंबाई की बात करोगे तो नील नदी जो है ये अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका में भी कहाँ पर, तो मिस्र में है, तो ये सबसे लंबी नदी है। और प्रवाह की दृष्टि से देखेंगे तो अमेजन है, वो आपकी दक्षिण अमेरिका में है, ओके। चलो बस थोड़ा सा और ज़्यादा नहीं कर रहा, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट का तापमान बराबर होता है, तो -40 डिग्री पर दोस्तों, -40 क्या है, -40 याद रखिए, 40 मत बोलिएगा, -40 पर क्या होता है, सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। कांसा मिश्र धातु बनी होती है किससे, तो तामा और टीन को मिलाकर, TT मिलाकर कांसा बनता है, T+TT फॉर तामा, T फॉर टीन, ऐसे याद करिए। दलीप ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है, तो रणजी हो गया, दलीप हो गया, ये सब जो है क्रिकेट से ही संबंधित है। LPG का फुल फॉर्म बताइए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, और इसमें मिथाइल मरकप्टेन बड़ा होता है, किसके लिए, जब गैस लीक करती है तो पता चल जाता है, बाकी इसके अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन भरा होता है। आगे गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा था, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था, जिसमें वो जेल में गए थे, यरवदा जेल, कौन सा जेल था, उसी में इन्होंने बैठ के लिखा था। आगे है राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष पर होता है, तो 1/3 क्या होते हैं, जाते हैं और 1/3 चुन करके आते हैं, हालांकि जो अस्थायी सदस्यता होती है वो रहती है 6 साल की, लेकिन एक तिहाई बदलती रहती है। आगे है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 4 साल के लिए। अच्छा, स्विट्जरलैंड का जो राष्ट्रपति होता है ना, उसका कार्यकाल केवल 1 साल के लिए होता है, ठीक है। अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो सरजू नदी किनारे है, सबको पता होगा। जयपुर की स्थापना किसने की थी, इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है ना, जयपुर को, अभी तो राजस्थान की राजधानी है, ठीक है। और याद रखिए आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने इसकी स्थापना किया था, ठीक है, तभी तो नाम पड़ा जयपुर। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया, तो 1951 में पहला संशोधन किया गया। डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो ऊपर मैंने बताया था आपको कि डूरंड, र के ऊपर क्या है, ये बिंदी लगा है, तो यही फुटबॉल है, ऐसे करके याद रखिए, ठीक है। सन 1907 में शुरू किया साहित्य का नोबेल किसे दिया गया था, सन 1907 में शुरू किया साहित्य का नोबेल, अच्छा 1907 वाला सबसे पहला स्टार्ट किया गया जब नोबेल, तो सबसे पहले दिया गया था रूडयार्ड किपलिंग को, और भारत में 1913 में दिया गया गीतांजलि के ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर को, तो किपलिंग याद रखिएगा। आगे किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, 1333 में आया था ना, 1333 में, हाँ ठीक है, 1333 में भारत आया, और 1336 में कौन सा वंश बना है दक्षिण भारत में, अरे बहुत फेमस है संगम, ठीक है, संगम काल स्टार्ट होता है, नहीं क्या बोलते हैं, हरियर बुक्का ने ले जाकर स्थापना करते हैं कर्नाटक हम्पी के पास, भूल गया नाम ही उसका, मैं क्या करूं, दिमाग में सब चलता है ना, गड़बड़ हो जाता है इधर उधर,
चलिए आगे देखिए, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी थे और उसमें कुल 7 मेंबर थे, ठीक है, और पहले कानून मंत्री। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास हैं, ठीक है, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, मालविका, अग्निमित्रम, ठीक है, ये सब इनकी रचना है, ठीक है। आगे देखिए, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस, ओके। और 91 डेज कौन है? स्टडी 91 डे, ये 4 मई को मनाया जाता है, क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? 4 मई है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है उड़ीसी, ओडिसी, ये तो नाम से ही लग जाएगा आपको, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का है। आगे भाखड़ा नांगल बांध जो है किफ नदी पर बनाया गया, तो सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल। और हीराकुंड बांध कहाँ पर है बताइए? महानदी पर, हाँ, ये सब याद रखिए। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल जिसे 7वें नंबर पे आता है ना भारत। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो हिरोशिमा पर 6 को गिराया था, और 9 से नागासाकी, और 9 अगस्त को किस पे गिराया था? नागासाकी पर। एक बम का नाम था फैट मैन, दूसरे बम का नाम था लिटिल बॉय, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद और वहाँ के राज्य की विधानसभा, सेम टाइप है, ठीक है। आगे हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? मुख्यमंत्री भी पूछ लिए होते हैं, भगवत दयाल शर्मा हैं, तो राज्यपाल भी याद रखे, धर्मवीर। आगे उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती? देशांतर बोलेंगे, ठीक है। तो पूरे पृथ्वी भर खींचा गया 360 ठो। आगे है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने किया था? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम बोस ने किया था, ठीक है, और 30 जनवरी को ही शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे है, महात्मा गांधी की हत्या हो तो गया, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता? चावल, गेहूं मत बोलिएगा, दक्षिण भारत पूरा चावल है टिका, उधर पश्चिम बंगाल चले मच्छी भात, गोवा चले जाओ मच्छी चावल, दक्षिण भारत चले जाओ इडली फिडली सब मिलेगा वहीं, सब चावल वाला आइटम है। आगे थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को, थल सेना दिवस। राजस्थान के माउंट आबू, माउंट आबू सबसे ऊँची चोटी है, कहाँ की? अरावली की। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किससे संबंधित है? दिलवाड़ा का मंदिर जैन धर्म से, मैं ही बता दिया आपको, ज़्यादा नहीं, बस बस 10-15 क्वेश्चन और, प्लीज़ 10 आखिरी का, ठीक है। आगे बोला, हीराकुंड बांध परियोजना, सॉरी बांध परियोजना, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ? तो महानदी पर बना है, उड़ीसा में है, ठीक है, और अच्छा खासा डेल्टा भी बनाती है, और चावल का अनुसंधान केंद्र जो कटक था वो इसी नदी के किनारे है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो शाहजहाँ ने बनवाया था जामा मस्जिद, ओके। आगे है, शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार, सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार वैसे परमवीर चक्र होता है, ठीक है, यहाँ शांतिकाल का बोल रहा है तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि अशोक चक्र नहीं, परमवीर चक्र याद रखेगा। आगे है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? तो करनाल में, हरियाणा में, ठीक है, डेयरी अनुसंधान केंद्र। आगे है, अच्छा, श्वेत क्रांति किसने कराया था, लाया था भारत में? वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति, MS स्वामीनाथन। वर्ल्ड लेवल पर नॉर्मन बोरलॉग, सब याद करिए। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आगे है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, ओके। आगे देखिए, 1526-56-61 के 3 ऐतिहासिक युद्ध, भैया पानीपत के युद्ध की बात बता रहा है, 1526 में बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी, 1556 में अकबर वर्सेज विक्रमादित्य हेमू, 1761 में अहमद साबदाली वर्सेज मराठे, सब याद है ना आपको, पढ़ाया गया। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना बनाया गया? आंध्र प्रदेश से। अभी उसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद है, बाद में अमरावती की नई राजधानी गठित किया जा रहा है, 10 साल अभी टाइम है, 10 साल नहीं 8 साल बचा है, 8 साल भी नहीं अब बचा है, 6 साल। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरे यार, यही सब बच्चों वाला क्वेश्चन पूछोगे, अरब सागर है, हाँ। और पूर्वी पर बंगाल की खाड़ी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है, फ्रांस में पड़ता है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भारत की, सॉरी, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रोबेल की दिन है, पता है किंडरगार्टन पढ़े हो कि नहीं? अरे KG1 पढ़ते हो ना, KG को बोला जाता है किंडरगार्टन 1, किंडरगार्टन 2, KG1, KG2 नहीं पढ़े हो? ठीक है, आगे देखो, NCERT का स्थापना कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था NCERT की स्थापना, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार भी इसी वर्ष बांटना शुरू हुआ था, सब याद करिए। आगे है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो अकबर के नवरत्नों में से एक था, इसके बचपन का नाम था राम तनु पांडे, ठीक है, और महान गायक थे। आगे देखिए, बोल रहा है कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खां अकबर का संरक्षक रहा, और बैरम खां की मरने के बाद बैरम खां की पत्नी से विवाह कर लेता अकबर, ठीक है, और उनका पुत्र का नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, वो आगे इन्हीं के राज में रहता है, संरक्षण में। आगे है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो सितार बजाते हैं भाई, पंडित रविशंकर सितार।
आगे पेनाल्टी कार्नर, फिर पूछ दिया पेनाल्टी कार्नर, अच्छा पेनाल्टी स्ट्रोक पूछा था ना, स्ट्रोक और कार्नर दोनों याद रखिएगा ठीक है हॉकी से। आगे देखिए, आगे बोला पेनाल्टी कॉर्नर, हाँ स्ट्रोक और कॉर्नर। आगे देखिए, आगे बोला उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का काल क्या होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा होती है, ठंडी के टाइम जो जनवरी के समय हल्का फुल्का फुहार नहीं पड़ता है वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है, पढ़ाया हूँ ये भी मैं आपको, ज्योग्राफी में पढ़ी है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है, देवधर रणजी दलीप, ये तीनों रट्टा मार जाइए, क्रिकेट से संबंधित है। रूस की मुद्रा का नाम क्या है, रूबल, और उसी के नीचे चाइना पड़ता है, उसकी मुद्रा का नाम क्या है, युआन। उसी के बाएँ साइड क्या पड़ता है, बाएं साइड, हाँ बाएं साइड क्या पड़ता है, जापान, उसकी मुद्रा का नाम क्या है, एन, एन, एन केन प्रकार एड ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था, तो लोथल था, पता है ना गुजरात में था, भगवा नदी के तट पर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, और आखिरी 24वें नंबर पे कौन थे, तो महावीर स्वामी जी। आगे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी जो कि अभी नेपाल में वहाँ पर हुआ था। आगे महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, 24वें नंबर के थे, सिंह इनका प्रतीक चिन्ह है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, उसके बाद से तो अभी कोई बना नहीं ठीक है। कटक किस नदी पर बसा है, तो महानदी के किनारे, और वही चावल अनुसंधान केंद्र, पीछे भी बताया हूँ आपको। और बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं, तो दो अक्षर होते हैं, 0 और 1 ओके, ये भी याद रखिएगा, कंप्यूटर की भाषा है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, बस आखिरी बात सुन लीजिए हमारी, जाइए मत ठीक है, मुझे पता है आपको बहुत जल्दीबाजी हो रही है। तो अगर आपके वीडियो पर किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है मेरे भाई, तो प्लीज़ आप उसको पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए, पता है अगर आप हमारा साथ देंगे ना तो मुझे भी पढ़ने में मज़ा आता है, पढ़ाने में मज़ा आता है, आपको नए नए मटेरियल्स देने में मज़ा आता है, कोर्स कवर करने में मज़ा आता है। ये कब अच्छा लगेगा, जब आप हमारा साथ देंगे तभी तो अच्छा लगेगा। तो अगर मैं खुल करके आपका साथ दे रहा हूँ, आपका सहयोग कर रहा हूँ, बैठे बैठे घर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हो, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता हमारे प्रति, बनता है ना, तो बनता है। तो वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को प्रमोट करिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए हुए, तो सब्सक्राइब भी कर लें, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा लें ठीक है, ताकि उनको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।